Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine, and it has been such a long time that I haven't done any sit down video. So here I am. मुझे ना DMs में काफी ज़्यादा messages आते हैं कि hair fall हो रहा है, उसके लिए कोई product बता दो. Acne हो रहा है, उसके लिए कोई product बता दो. And प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर अ लॉर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो बनाई जाए जिसमें सब कुछ शेयर करा जाए तो आज की वीडियो होने वाली है एक हॉल स्लैश प्रोडक्ट एम टीज वीडियो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही थी एंड आई वॉन्टेड टू रिव्यू देम ओनली आफ्टर आई फिनिश अ सर्टन प्रोडक्ट क्योंकि जब मैं एक पूरा प्रोडक्ट कम्पलीटली यूज़ कर लेती हूँ उसी के बाद आई कैन गिव यू नो प्रॉपर रिव्यूज कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा एंड ऑल्सो बिकॉज इस टाइम पर दिवाली की वजह से हर एक वेबसाइट पर बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स एंड अमेजिंग सेल्स चल रही हैं तो मैंने सोचा ये परफेक्ट टाइम हो गया ये वीडियो शेयर करने के लिए तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे एम टी हुए हैं बट उन्हें मैंने रिपर्चेज भी किया एंड ऑल्सो आज की वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी मैं उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन ब्रांड्स के साथ मेरे अफिलियट कोड्स हैं तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप जब उन वेबसाइट्स पे जाके वो कोड अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल टेन या ट्वेंटी डिस्काउंट मिलेगा तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं लिंक इट ऑल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है And if you are new to this channel, hi, my name is Sonia Mishra. I post beauty and lifestyle content here on my channel. So make sure you hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that you don't miss any of my uploads. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. पहली कैटेगरी होने वाली है बॉडी केयर एंड हेयर केयर बिकॉज इसमें मेरे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं नी ओनली टू प्रोडक्ट्स आई हैव दैट आई हैव ऑलरेडी एम और ये मुझे इतने ज्यादा पसंद आए दैट आई ऑलरेडी हैव अ रिफिल फॉर देम सो बॉडी केयर में आई हैव दिस दिस इज दन पर्सन सालिस एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश दिस इज बाय द डो इसमें सालिसलिक एसिड है ग्लाइकोलिक एसिड है एंड पेंटोविटीन है सो एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड बोथ आर अमेजिंग एक्सफोलियेटर क्योंकि जैसे फेस पैक में होता है तो वी टेन टू यूज सालिस्लिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉशेस तो अगर आपके बैक पे एक्ने हैं या बॉडी में कहीं भी एक्ने हैं या आप अपनी बॉडी शेव करते हो उसकी वजह से आपको इनग्रोन हेयर हो रखा है तो ये बॉडी वॉश बहुत ज्यादा अमेजिंगली वर्क करता है साथ में इसमें पेंटाविटीन है जो कि बहुत ही अमेजिंग हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है आपकी इनग्रोन हेयर और एक्ने खत्म हो जाएगा साथ ही साथ आपकी स्किन ड्राई आउट नहीं करेगी बिकॉज विल कीप योर बॉडी नरिश्ड एंड हाइड्रेटेड एट द सेम टाइम एंड दिस इज एन अमेजिंग बॉडी वॉश आई ऑलरेडी हैव ऑलरेडीड दिस नाउ द सेकंड प्रोडक्ट इन द सेम कैटेगरी इज दिस फ्रॉम प्लम दिस इज देयर प्लम एवोकाडो नरिश ऑफ हेयर मास्क ये बहुत ही अमेजिंग हेयर मास्क है मैं इसके दो टब्स ऑलरेडी फिनिश कर चुकी एंड नाउ आई हैव फॉर द थर्ड वन एंड इट इज ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड आई रियली रियली लव प्लम्स हेयर मास्क इसका एक दूसरा वेरियंट भी आता है वो भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है ये हेयर मास्क मेरे अमेजिंगली वर्क करते हैं बिकॉज आई हैव रियली रियली ड्राई एंड फ्रिजी हेयर मेरा स्कैल्प ऑयली है हेयर ड्राई है सो so मुझे बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि मेरे हेयर पर बहुत अमेजिंगली वर्क करें दिस इज वन ऑफ देम मैं बहुत ज्यादा हीट स्टाइलिंग भी करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं So, really, really स्मूद एंड शाइनी लुक देता है मेरे बालों को, साथ ही साथ इट की गुड स्मूद डीप कंडीशनिंग एंड दिस इज रियली रियली गुड ऑप्शन यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज स्किन केयर तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी फेस वॉशेस के साथ क्योंकि मेरे पास चार फेस वॉश हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है मैं इन चारों एम एम्टी कर चुकी हूँ आई एक्चुअली अ लॉट ऑफ फेस वॉश जो मैं एम कर चुकी हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से कलेक्ट कर रही हूं एंड फेस वॉशेज मैंने काफी ज्यादा यूज किए हैं बट दीज फोर जस्ट टूड आउट फॉर मी तो जो सबसे पहला फेस वॉश मैं शेयर करूंगी वो है ये न्यूट्रोजिन का लिक्विड प्योर माइल फेशियल क्लेंजर आई थिंक मैं इसको अपनी पुरानी एम टीज वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूं मैं लिंक कर दूंगी तो ये ऑयल स्किन टाइप्स के लिए अमेजिंग है पर स्पेशली इफ यू आर ड्राई स्किन टाइप तो मुझे ज्यादातर ना मैसेजेस आते हैं क्योंकि मैं ऑयली स्किन एक्नेप्रॉन स्किन के लिए तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दे ही देती हूँ मेरी ड्राई स्किन नहीं है तो मैं ड्राई स्किन के लिए कम रिकमेंडेशन uh, देती हूँ बट इफ यू आर अ ड्राई स्किन टाइप यू मस्ट टेक दिस फेस वॉश आउट माई मॉम इज अ ड्राई स्किन टाइप एंड शी लवस दिस फेस वॉश इसका हमारे

¡Gracias! कॉम्बिनेशन स्किन तक भी ये बहुत अच्छा काम करेगा बट इफ यू आर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप मुझे पर्सनली ये उतना ज्यादा पसंद नहीं आया बट फॉर अदर स्किन टाइप्स दिस इज एन अमेजिंग फेस वॉश यू मस्ट चेक इट आउट एंड ये काफ़ी ज्यादा अफोर्डेबल भी है एंड प्लस ये हाइपो एलोजेनिक एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये, पो और और ये आपके पोर्ट्स को भी क्लॉग नहीं करता है तो अगर आप सेंसिटिव स्किन भी हो तो भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो सेकेंड फेस वॉश जो मैं शेयर करने वाली हूँ मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस वीडियो में आने वाला है बट दिस द वन बाय खादी एसेंशियल्स नीम फेस वॉश इसमें तुलसी और टी ट्री भी है तो इसमें लिखा है ये एक्ने एंड पिंपल कंट्रोल के लिए काफी अच्छा एंड इट एक्चुअली इज सो एक्चुअली मुझे ये एक कोलाबोरेशन के लिए आया था एंड मैंने इसे उस टाइम पे एक वीक के लिए यूज किया था बिफोर मेकिंग द वीडियो एंड आई लवड इट सो 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 मच कि वो वीडियो मेरे चैनल पे बाद में अपलोड हुई थी और मैं इस बॉटल को फिनिश पहले कर चुकी थी ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है एक बार मैंने इस फेस वॉश को यूज़ करना स्टार्ट किया था उसके बाद आई डिड नॉट स्विच टू एनी अदर फेस वॉश आई लवड इट सो 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 मच ये इतना ज़्यादा जेंटल है आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है एंड प्लस जब मेरे एक्ने एंड पिम्पल हो रखे थे उस टाइम पर मैं ज़्यादातर सैलिसलिक एसिड फेस वॉश यूज़ करती थी बट वो मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर देता था तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे ये फेस वॉश यूज़ करती थी इसने बहुत अमेजिंगली काम किया है मेरे एक्ने प्रोन स्किन पे एंड इफ़ यू आर एन एक्ने प्रोन स्किन टाइप पर्सन आपको एक्ने हो रहा है पिंपल हो रहा है एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गुड जेंटल क्लेंजर दैट वर्क्स फॉर योर स्किन यू मस्ट चेक दिस आउट और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है दिस इज थ्री हंड्रेड रुपीज़ फॉर हंड्रेड एम एल ऑफ प्रोडक्ट इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड इट रियली रियली स्टूड आउट फॉर मी मैंने सोचा नहीं था कि ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंगली काम करेगा

और ये बहुत अमेजिंग है जब मेरी एक्ने स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैंने ये फेस वॉश स्टार्ट किया था यूज़ करना दिस इज़ द फर्स्ट एलिस्टिक एसिड फेस वॉश दैट आई यूज एंड आई रियली रियली सॉ डिफरेंस इन माई एक्ने ये आपके पोर्स को डीप इन से क्लीन करता है एंड आपकी एक्ने को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इट विल हेल्प यू टू ड्राई आउट योर एक्ने एंड क्लीन योर पोर्स बट बिकॉज सैलिसिक एसिड टू परसेंट है इस फेस वॉश में अगर आप इसको टू टाइम्स अ डे यूज़ करो डेली तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाएगी तो वट आई वुड रेकमेंड कि जब भी आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करोगे स्टार्ट यूजिंग इट वंस एवरी ऑल्टरनेट डे एंड देन बिल्डअप अकॉर्डिंग टू योर स्किन रेजिस्टेंट अब मेरी स्किन इतनी रेजिस्टेंट है कि मैं दिन में एक बार भी इसको डेली यूज कर लेती हूँ तो मेरी स्किन काम कर जाती है बट यू हैव टू बिल्ड द स्किन रेजिस्टेंट टू दिस सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड फेस वॉश इफ यूर ऑयली स्किन पर्सन एंड योर फेसिंग एक्ट ने मेरे सिस्टर के एक्ट ने थे एंड इसने बहुत अमेजिंगली काम किया है सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट

स्किन काफी ड्राई आउट फील करती थी एंड आई टू लेर अपडर वेरी गुड वेन इट कम्स टू रिड्यूजिंग माई ऑयलम प्रोडक्शन बिकॉज अभी मेरी एक्टिव एक्न नहीं है बट आई स्टिल यूज सैलिसिक एसिड बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है एंड एज आई मैं इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो नाउ आई फोकस मोर मोर ऑन प्रिटिंग माई एक् राधर क्योरिंग देम तो मैं इसको अब यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजीना वन तो इसमें सेलिस एसिड टू परसेंट के साथ साथ ओट एक्सट्रैक्ट जिंक एंड एलेंड भी है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा काम करता है अगर कोई ज्यादा इरिटेशन हो रहा है रेडनेस हो रहा है उसको अच्छे से काम करता है एंड प्लस ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग इन्ग्रीडियंट है तो ये आपकी स्किन को एट द सेम टाइम नरिश एंड हाइड्रेट भी करते हैं तो इस फेस वॉश को यूज करने के बाद मेरी स्किन ऐसे नहीं लगती है कि बिल्कुल

तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहा अच्छा अमाउंट आता है आई थिंक थर्टी या थर्टी एम है एंड इट इज़ स्टिल रिसेंटली प्राइज इट इज़ फॉर फाइव हंड्रेड रुपीज़ एंड इट वर्क वेरी वेरी गुड फॉर माई स्किन तो जब मैंने स्टार्ट किया था केमिकल एक्सपोलिएशन मैंने जब पील यूज़ करने का मेरा मन हुआ था तो देर आर अ लॉट ऑफ थर्टी परसेंट ए एंड टू परसेंट बी पील्स इन द मार्केट बट मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रोंग स्टार्ट नहीं करना था बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अगर मेरी स्किन उसको अडेप्ट कर पाएगी या नहीं तो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ लिटिल लाइटर एंड आई चोज दिस वन एंड इट वाज़ अ परफेक्ट चॉइस दिस हेज फिफ्टीन परसेंट ए एंड वन परसेंट और इसने इतने ज़्यादा अमेजिंगली मेरी स्किन पे काम किया इसको मैंने स्टार्ट करा था यूज़ करना जब मेरे पास मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने थे एंड इसने बहुत ज़्यादा मदद करी है मेरे स्किन को एकदम यू नो बम्प फ्री करने में को हमेशा आप अप, अपने पी रूटीन में यूज़ करना मैंने एक बार अपने मॉर्निंग रूटीन में यूज़ कर दिया था एंड माई फेस वॉज ऑल रेड so uh, use it uh, in your pm routine and top it up with the sunscreen the very next day and this works very very good agar aapke oily acne prone skin type hai really na to ye kafi acha kaam karega aapke pores ko clean karne mein oil control करने में और जो texture हो जाता है इधर nose के अराउंड whiteheads blackheads ब्लैक हेड्स और क्लोज कोमिडोन्स हो जाते हैं यहाँ पे वाइट वाइट कलर के से डॉट डॉट से छोटे छोटे हो जाते हैं वो इसको बहुत अच्छे से टैकल करता है अभी मैंने जो मंगवाया है मैंने थर्टी परसेंट मंगवाया बिकॉज आई थिंक माई स्किन इज़ वेरी मच यूज टू दिस हैव फिनिश द एंटायर बॉटल

तो ये है क्वेंच का ब्रावोकार्डो एस पी एफ फिफ्टी प्लस पी ए प्लस सनस्क्रीन जेल दिस प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम यू वी एंड यू वी बी रेडिएशन एंड फोटो डैमेज दिस हेज आवोकार्डो पोमिग्रेनेट एंड राइस वाटर दिस इज अ कोरियन स्किन केयर ब्रांड एंड इट इज क्वाइट अफोर्डेबल एट द सेम टाइम नाउ दिस सनस्क्रीन इज सो लाइट सो लाइट आई फील एज इफ आई एम यूजिंग अ मॉइस्चराइजर इतनी ज्यादा लाइट फील होती है मेरी स्किन पे एंड बिकॉज आई एम एन ऑयली स्किन टाइप पर्सन तो मेरे ना दिन में वैसे भी बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेट होता है जब मैं बाहर जाती हूँ सो वट आई डू इज आई मोस्टली स्किप ऑन मॉइस्चराइजर एंड डायरेक्टली यूज दिस सनस्क्रीन और ये काफी अच्छा काम करता है बोथ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन का इसमें बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है और ये बहुत ही अमेजिंगली आपकी स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाता है वेरी वेरी लाइट कंसिस्टेंसी और बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है स्किन पे कि कुछ हैवी सा लगा रखा है क्योंकि सनस्क्रीन मोस्टली White cast दे देते है। ये बहुत ही एक देता एक है जो मैं बिल्कुल फिनिश कर चुकी हूँ थर्ड में ऑलरेडी यूज कर रही हूँ सो so, ये हैेरी अल्ट्रालाइट मॉइस्चराइजिंग जेल आई डोंट थिंक देर इज मच लेफ्ट इन दिस बट आई कैन शो यू दूर

साथ ही साथ बहुत लाइट वेट है एंड एकदम जेल लाइक कंसिस्टेंसी है तो ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट मॉइस्चराइजर है आई जस्ट कैन नॉट डू विदाउट दिस मॉइस्चराइजर आई लव इट सो मच इट इज वेरी वेरी गुड नाउ टॉकिंग अबाउट सीरम्स मेरे पास दो सीरम है जो मैं फिनिश कर चुकी हूँ एंड दीज टू सीरम्स आर आई जस्ट वॉन्ट टू रेकमेंड एवरी वन टू गो एंड गेट दीज टू सीरियम्स दिसज आर सो अमेजिंग तो पहला और ये दोनों ही प्लम्स हैं पहला है प्लम्प का वाइटमिन सी दूसरा है प्लम का हाइलोरानिक एसिड इस पर तो मैं एक ऑलरेडी पूरी वीडियो बना चुकी हूँ मैं लिंक कर दूँगी आप चेकआउट कर लेना तो ये थर्टी एम एल की बॉटल है नहीं ये ट्वेंटी एम की बॉटल है अभी मैंने जो मंगाई है वो थर्टी एम की बॉटल है मैंने इसकी इतनी ज़्यादा बॉटल्स फिनिश कर चुकी हैं दैट आई हैव नो आइडिया आई हैव जस्ट लॉज द काउंट इट इज़ अमेजिंग एज इट से ग्लो वोश ये एक्चुअली आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और इवन टोन लुक दे देता है ओवर अ टाइम एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड इट इज़ फिफ्टीन परसेंट वाइटामिन सी इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइटमिन सी फॉर्मुलेशन इन द मार्केट एट मोमेंट तो अगर आपने ये अभी तक चेकआउट नहीं किया जरूर चेकआउट करना पिगमेंटेशन है अनईवन स्किन टोन है वो ग्लो नहीं आ रहा है एवरी थिंग कुड बी हैंडल्ड बाई दिस वन प्रोडक्ट तो आप इसको जरूर चेकआउट करो बहुत अमेजिंग वाइटामिन सी है बिगनर फ्रेंडली है सो यू कैन चेक इट आउट दिस इज टू परसेंट हाइलोरॉनिक एसिड सीरम बाइ प्लम एंड दिस इज सो 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 हाइड्रेटिंग इस बॉटल को तो मैंने पंद्रह बीस दिन में ख़त्म कर दिया था आई लव इट यूजिंग सो मच मैं इसे बहुत अपने ए एम और पी एम रूटीन में यूज़ कर रही थी तो आप हाइलोरॉनिक एसड यूज करने के बाद एक अच्छा अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर जरूर लगाना बिकॉज वट हाइलोरॉनिक एसिड डज इज इट पुल्स आउट मॉइस्चर एंड देन इट लॉक्स इट तो अगर आप अच्छे से ऊपर से मॉइस्चराइजर लगाओगे तो ये उसमें से यू नो मॉइस्चर खींच के आपकी स्किन पे लॉक कर देगा बट अगर आपने ऊपर नहीं लगाया आपकी स्किन ड्राई है तो आपके स्किन में अंदर से ये मॉइस्चर यू नो पुल कर लेगा और फिर uh, उसको रिटेन करेगा सो so आपकी स्किन अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी इट गिव्स यू दैट प्लम बाउंसी एंड यू नो ग्लास लाइक फिनिश बहुत अच्छा काम करता है ये सीरम वन ऑफ द बेस्ट सीरम्स आई रियली रियली लाइक यूजिंग दिस हेलोरानिक एसिड सीरम सो यू कैन चेक इट आउट ओके okay, सर so इसी के साथ हेयर केयर बॉडी केयर स्किन केयर की कैटेगरी खत्म हो गई है बट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल प्रोडक्ट एम की वीडियो में मेकअप प्रोडक्ट शेयर होने वाले हैं बिकॉज ये पहली बार है कि कोई मेकअप प्रोडक्ट मैंने फिनिश किया है और एक नहीं दो नहीं तीन प्रोडक्ट फिनिश किया है एंड दे आर ऑफ द सेम ब्रांड एंड द सेम रेंज दीज आर फ्रॉम मेबीली इन फिटमी रेंज तो मे बिल्ली इनका फिटमी फाउंडेशन वॉज द वेरी फर्स्ट फाउंडेशन जो मैंने यूज़ करा था एंड फाइनली वो बॉटल फिनिश हो गई है एंड इसका तो मैं ऑलरेडी रिफिल मंगा चुकी हूँ यू कैन सी आई हैव टू बिकॉज दिस इज़ माई मॉम्स शेड एंड दिस इज़ माइन तो हम दोनों को ये फाउंडेशन इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने दोनों के लिए ही मंगवा लिया एंड दिस इज़ जस्ट एन अमेजिंग फाउंडेशन फॉर एन एवरी डे इवन अगर आप किसी अच्छे ओकेजन या फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हो तो भी ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है मीडियम बिल्डेबल कवरेज है बहुत स्किन लाइक फिनिश देता है एकदम बहुत ज्यादा केकी नहीं लगता है एंड दिस इज वेरी वेरी गुड इट वर्क्स इट वर्क्स ब्यूटीफुली फॉर माई ऑयली प्रोन स्किन टाइप मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इसने मेरे पोर्स को क्लॉक किया या इसकी वजह से मेरी ऐप ने प्रॉब्लम बढ़ी हो आई रियली रियली लाइक यूजिंग दिस फाउंडेशन एंड यू नो मैं मोस्टली अपनी वीडियोज़ में यही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ आई लव इट सो डैम मच एंड इट से इट इज़ ग्रेट फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप बट आई फील अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा रहे हो अपनी स्किन प्रैप अच्छे से कर रहे हो सो इट वर्कस वेरी वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन टाइप एज वेल बिकॉज माई मॉम इज़ अ ड्राई स्किन टाइप एंड शी लव्स इट एज मच एज आई डू और सबसे अच्छी बात है कि

थर्टी हनी शेड में था जब मैंने इसे लिया था उस टाइम पे लाइक अगेन दिस इज द फर्स्ट कंसीलर एवर दैट आई बॉट तो उस टाइम पे मुझे उतना ज्यादा शेड नॉलेज नहीं था और मैं अपनी स्किन से थोड़ा लाइट ये ले आई थी तो मैं इसको जनरली हाईलाइटिंग के लिए यूज करती थी और या फिर किसी और कंसीलर के साथ मिक्स करके यूज कर, कर लेती थी तो ये काफी अच्छे से काम करता था ये मुझे काफी बाद में रियलाइज हुआ बिकॉज स्टार्टिंग में आई यूज टू फील कि दिस इज द परफेक्ट शेड मैच बट देन मेरी अंडर आइज ग्रे टर्न होने लग गई थी जब मैं अकेले इसको यूज करती थी सो so, इस uh, इस बार I

अभी मेरे एक्नी मार्क्स भी उतने ज़्यादा बचे नहीं हैं तो जब मुझे नो मेकअप डेज में फाउंडेशन में नहीं लगाती हूँ तो मैं सिर्फ इस कंसीलर के साथ भी काम चला लेती हूँ और अगर मुझे कंसीलर भी नहीं यूज़ करना है सो दिस इज़ वॉट आई यूज़ आई नो मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बोला है कि मुझे कॉम्पैक्ट यूज़ करना पसंद नहीं है मैं कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करती मेरी स्किन पर अच्छा काम नहीं करता बट वॉट आई फील इज़ जब मैं काफ़ी यू नो हैवी बेस कर रही हूँ uh, फाउंडेशन कंसीलर तो कॉम्पैक्ट से मेरी स्किन केकी हो जाती है तो मैं लूज़ पाउडर से ही सेट या बेक करना प्रेफर करती हूँ बट अगर मैं उतना ज़्यादा हैवी बेस नहीं कर रही हूँ लाइक like, सिर्फ मैंने कंसीलर लगा लिया तो दिस इज़ द वन दैट आई गो टू इसका तो मिरर भी टूट चुका है झड़ रहा है बिल्कुल और ये भी इतना ही बचा है लाइक दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट एम्प्टी बट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइज बिकॉज इसका मैं रिफिल मंगा चुकी हूँ इनफैक्ट मैंने दो मंगाए हैं बिकॉज माई मॉम ऑल्सो लव्स दिस वन तो मैंने दो इसके ऑलरेडी मंगा लिए हैं एंड आई थिंक ये डिलीवरी लेट होगी बस इसी वजह से मैंने इस वीडियो को हॉल स्लैश प्रोडक्ट एम रखा है क्योंकि हॉल करने तक का तो सेल्स ख़त्म हो जाती सारी वेबसाइट से सो so, ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्पैक्ट है जब मैं कंसीलर नहीं भी लगाती हूँ लाइक मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया सनस्क्रीन लगा लिया उसके ऊपर मैं अच्छे से इस पाउडर को डस्ट कर लेती हूँ मेरे फेस बहुत अच्छे से मैटिफाई हो जाता है और इसमें क्योंकि, क्योंकि कलर है तो थोड़ा बहुत ही मुझे यू नो कवरे कुछ भी दे देता है आज भी मेरे बेस पे देर इज नो फाउंडेशन नो कंसीलर और नो हाइलाइटर एवर आई हैव ओनली अप्लाइड दिस पाउडर अ लिटिल बिट ऑफ ब्लश एंड दैट्स ऑल फॉर माय बेस एंड माय बेस लुक्स सो ब्यूटीफुल तो अगर आपको कुछ ऐसा हैवी नहीं करना है और जल्दी-जल्दी तैयार होना है यू जस्ट हैव टू टेक दिस पाउडर अलोंग एंड डैब इट ऑल ओवर एंड योर नाइका पर्पल एमेजोन जहां पर भी जो भी अवेलेबल होगा मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो आप देख लेना जहां पे भी आपको लोएस्ट पॉसिबल प्राइस मिल रहा है आप वहां से पिक आउट करना और प्लस इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ब्रांड्स के साथ मेरे एफिलिएट कोड है तो मैं वो कोड और लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो अगर आप उस वेबसाइट से चेकआउट करते हो तो आप मेरा कोड यूज करके आपको टेन टू ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऑन द ऑन गोइंग ऑफर सो यू कैन सेव अप देयर इज वेल सो या विद दिस आई विल एंड टू डेज वीडियो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो मेरे पास अभी और भी प्रोडक्ट एम है जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं बट उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने रिपर्चेज नहीं किए हैं और ना ही मैं करूंगी सो इट वुड बी अ प्रॉपर रिव्यू जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी विच प्रोडक्ट्स आर वर्थ बाइंग कुछ टाइम बाद आएगी सो स्टेट यून फॉर दैट ऑल्सो लेट मी नो इन दॉमेंट बॉक्स बिलो इफ यू लाइक टू डे विडियो एंड इफ यू वॉन्ट मी टू डू एनी अदर सच विडियो एंड इफ यू एम नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल या प्लीज हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन वी आर सो क्लोज टू हिटिंग वन के It would be a dream come true for me. Let's uh, try and hit 1k by the end of this year. I'll be so 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 happy. And also, notification bell right next to it so that you don't miss any of my uploads. Now, I will see you super super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.